नमस्कार। आज का दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे। आज मतदानाचा दिवस आहे। आज का दिवस हा राज्यासाठी 5 वर्षातून एकदा येतो आणि आज आपण ठरवतो की आपण जे व्यक्ती निवडून देणार आहोत ते सत्तेत जातील, विपक्षात बसतील, परंतु जे नवीन मतदार आहेत, युवक आहेत, जे पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत, मी त्यांना हे सांगू इच्छितो की भरभरून आपण जाऊन पुढे येऊन मतदान करावं आणि आपले योग्य कॅन्डिडेट आहेत, उमेदवार असतील, त्यांना निवडून द्यावा। हिंदी किधर है आप, आपके आपका चैनल हिंदी है? ओके, ठीक है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिन 5 साल में एक बार आता है। आज के दिन आप उन लोगों को चुनते हो जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे असेंबली में। तो जो भी मतदान है, जो भी मतदार है वो पहली बार मतदान करने वाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भारी संख्या में, भारी मात्रा में बाहर आकर वोट करें। बहुत सारे घर में आपके वृद्ध माता पिता या दादा दादी होंगे, उनको भी लेकर जाए मतदान केंद्र में और अपना जो हक है वो आज निभाएं, अपने राज्य के लिए अर्पण करें। थैंक यू। देखता है आदमी उसमें, एक मिनट क्या, एक मिनट, हाजिर जवाबी के लिए आप जाने जाते हो, क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? एक मिनट भाई, क्या होने जा रहा है? इलेक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है? एक मिनट सर, किसकी सरकार आएगी? महायुति, महाविकास आघाड़ी की आएगी सरकार। क्या अनुमान है सर आपका, कितनी सीट? अभी ये अनुमान तो न्यूज वाले लगाएंगे, हम अपना एक ही अनुमान है जो लगा रहे हैं आज। आपके दो भाई चुनाव में हैं, इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आप हो जी, तो कुछ तो आपका कैलकुलेशन होगा? नहीं, जो मेरा कैलकुलेशन है वो पर्सनल कैलकुलेशन है, उससे मैं यही कह सकता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों का सर आकलन है? एक मिनट ब्रदर यार। अरे यार, आपने तो मुझे पोस्टर बना दिया, ये अभी आकलन में 6 बजे के बाद आपके चैनल पे देखूंगा। दो दो भाई आपके चुनाव में जी, दोनों जीतेंगे, दोनों जीतेंगे जी। इतना आतंक में करता गाँव है, गाँव गरीब की महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? गांव है, लेकिन हम लोग जो करने आए वो वोटिंग है और वो सबका राइट है, वो सबका अधिकार है। तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन जो है वो वोटिंग के हिसाब से है। तो जो गरीब है, जो भी है, यंग ओल्ड जो भी है, वोट करना जरूर है। उसमें आजकल महिलाएं ज्यादा लाइन में खड़ी होती है, वोट परसेंट में भी महिलाएं या तो इक्वल होती है या ज्यादा होती है। तो महिलाओं में आजकल डेमोक्रेसी को लेके, वोटिंग राइट को लेके ज्यादा समझदारी है, ज्यादा अवेयरनेस है शायद, हो सकता है। आप कुछ अपील करेंगे क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है वोट के लिए? नहीं, मैंने तो अपील किया, आज का दिन जो है इम्पोर्टेंट दिन है, आप प्लीज जाके वोट कीजिए, ये आपका राइट है और यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस। विलासराव देशमुख जो की काफी पॉपुलर लीडर महाराष्ट्र के हैं, सीएम भी रहे, उनके दो दो पुत्र, दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं। अगर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता है तो आप चाहेंगे आपके घर से सीएम बनने का मौका मिले? वो अभी तो हम लोग वोटिंग के हिसाब से रखेंगे। ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुश हो, आई बी वेरी वेरी हैप्पी, लेकिन
अभी के लिए हम लोग वोटिंग करके खुश हो जाए। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट? आई हैव नो प्रेडिक्शन राइट नाउ, मे द बेस्ट पार्टी विन। थैंक यू। मुंबई में भी कलाकार। थैंक यू। लगा दो।